नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक माइंड 24 यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही अच्छी ट्रिक के बारे में। दोस्तों, अगर आप कोई भी मूवी या किसी बड़े फाइल को अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं और वो दोस्त आपके पास नहीं है, आपसे बहुत दूर है, तो आज इस ट्रिक के थ्रू आप उसे आसानी से भेज सकते हैं। आपको कहीं पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है या किसी भी तरीके से मेल करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान ट्रिक है। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आजमाने के लिए आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है टॉफी शेयर। सबसे पहले आपको बता दें कि आप जब भी किसी बड़े फाइल को, यानी कि 1 GB, 2 GB या 5 GB की फाइल है आपके पास, तो उसको अपलोड करने के लिए काफ़ी समय लगता है। फिर आप लिंक शेयर करेंगे, आपका फ्रेंड या जिसे आप भेजना चाहते हैं वो उसको डाउनलोड करेगा, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और डेटा भी खर्च होता है। लेकिन जब इस तरीके से आप ट्रांसफ़र करेंगे तो डेटा बहुत ही कम कंज्यूम होगा। तो आपको इसके लिए जाना है toffeeshare.com पे, वहां पर फाइल को ड्रॉप कर देना है या फिर वहां पर सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको वो फाइल सेलेक्ट करना है जो आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं। यहां पर मैं एक मूवी सेलेक्ट करने वाला हूं और आप देखेंगे कि वो मूवी कैसे डाउनलोड होती है। डी ड्राइव में है, यहां से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर आपको एक QR कोड मिलेगा और एक यहां पर लिंक मिल जाएगा। लिंक को कॉपी करना है और दोस्त को भेज देना है। अब आपका दोस्त फोन में ओपन करेगा उसको। यहाँ पर मैं आपको फोन की स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। फोन में जो ही उस लिंक को ओपन करेगा, कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। मूवी का नाम आप देख रहे हैं, जो मूवी हमने यहाँ पर ड्रैग किया था, ड्रॉप किया था। अब यहाँ पर जो ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। सेम टाइम में आप देखेंगे कि आपके सिस्टम पे भी फाइल ट्रांसफर स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये फाइल ट्रांसफर डायरेक्ट आपके सिस्टम से उस पर्सन के कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा भी खर्च नहीं होता है, आसानी से फाइल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, पीयर टू पीयर ट्रांसफर है और साथ ही इनक्रिप्शंस भी है, आपका डेटा बिल्कुल सेफ तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपने मोबाइल फोन से किसी कंप्यूटर पर या किसी दूसरे के मोबाइल फोन में डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल अपने फ़ोन में आपको वेबसाइट ओपन करना है toffeeshare.com। यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है जिस फाइल को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगा, आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे आपको सेंड टू PC का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करना है, कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको अपने PC में toffeeshare.com खोलना है। वहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल कनेक्ट का, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और क्लिक करते ही ये जो QR कोड है वो आपको स्कैन करना है। आपने देखा, स्कैन करते ही अब मोबाइल फोन से फाइल आपके कंप्यूटर के ऊपर दिख रहा है। आप वहां से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आप पास में दो डिवाइस हैं तो आप QR कोड स्कैन करके डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर डिवाइस दूर है तो यहां से आप लिंक शेयर करके ये डाउनलोडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं डायरेक्ट फाइल ट्रांसफर करने के लिए, कहीं पर भी फाइल अपलोड नहीं करना है। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।